हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अदिति ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए, आज मैं आई हुई हूँ रिपल्स बे बीच पर, जो कि हमें जाना था एक स्टॉप बाद उतरना था, दो स्टॉप मेन रिपल्स बे बीच पर हम लोग उतर गए। बीच में वाला बीच पर ही हमें पता नहीं चला रास्ता का ना, तो उतर गए। ये भी बीच ही है, लेकिन व्यू जो है वो वाला बीच रिपल्स बे का जो है ना, उस पर ज़्यादा अच्छा है। तो मैं आपको देखिए दिखा रही हूँ, मैं यहाँ पर इस तरीके से, देखिए मेरे पीछे का व्यू सुंदर है ना, बहुत ही सुंदर बीच है। वेव उतना नहीं है बीच पर, ज़्यादा वेव नहीं है, बस ऐसे ही है, मतलब नहाने के लिए ठीक है। और मैं बस सोची कि आई हूँ तो चलो वीडियो में बना लेती हूँ। गाइज, आवाज़ पता नहीं मेरा ठीक से जा रहा है कि नहीं जा रहा, लेकिन रिपल्स बे बीच से पहले ही हम लोग उतर गए। पता नहीं कौन सा स्टॉप पे उतर गए, मुझे खुद नहीं पता है। हमने बीच देखा, उतर गए तो बीच जैसा लग रहा था, यहीं पर हम वीडियो भी बना रहे हैं। तो आपको बैक कैमरा से मैं दिखाती हूँ। तो देखिए, यही है बीच यहाँ का। देखिए कितना सुंदर सैंड है ना, बहुत ही अच्छा है। देखिए मुझे व्यू बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर ना, आप एंजॉय कर सकते, मतलब अच्छा है सब चीज। लेकिन मुझे मेन जो व्यू था ना, वो अगला वाला पर, देखिए मैं कैमरा घुमा रही हूँ ना, तो उस तरफ वाला जो है ना, उसके उस तरफ, तो वहाँ पर हमें उतरना था। तो हम लोग उतर गए हैं यहीं पर। चलिए कोई बात नहीं, जैसे जो भी हो, वीडियो तो बना रही हूँ मैं नहा नहीं रही हूँ, बस ऐसे ही वीडियो बना रही हूँ। बस आई थी शाम को इधर। पता नहीं क्या नाम है, डीप वाटर बे बीच पर आई हुई हूँ, और मैं देखती हूँ नहाने में सह जाऊंगी। तो आपको मैं दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। यही है यहाँ तो मुझे व्यू बहुत अच्छा लगता है। देखिए पूरा दम भरा हुआ है बीच, पूरा लोग। आज पता है इंडिपेंडेंस डे है हांगकांग का ना, 27 इयर्स हो गया हांगकांग को। तो मैं अभी बीच पे बैठी हुई हूँ, पता नहीं नहाऊंगी कि नहीं नहाऊंगी, ठंडा लग रहा। शाम को आई ही हूँ, 4 बजे आया। बहुत डर लगता है बीच में जाने में। आइयो बाप रे, बड़ा खतरनाक बीच है, डीप वाटर, पता नहीं डीप वाटर बे बीच है। तेरा मुंह एकदम काला लग रहा है, देखिए 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 देखिए, मेरे ऊपर ना एकदम पूरा एक कर दिया, क्या बोलता है, फेंक दिया रेत। अब हम फेंकते हैं तुम्हारे ऊपर आकर,
कि हम फेंकते हैं, अगर मेरे ऊपर फेंका है ना तो सब रिकॉर्डिंग किए हैं। मेरा चप्पल भी फेंक सकते लोग कर रहे हैं और चप्पल भी मेरा फेंक दिया है यहाँ पर। आज जगह होता है ना सावर भी लेने का होता है, बीच पर नॉर्मली होता है ये सावर लेने का। यहाँ पर एक चीज नया देखा ना कि हेयर ड्रायर भी है ऊपर लेडीज रूम में, हेयर ड्रायर, अब एक और तरह का बाल सुखाने का ही कुछ। तो मुझे अच्छा लगा यहाँ पर बिग डीप वाटर वेव बीच है, डीप वाटर बीच है, क्या है नाम है वही। तो अब जा रही हूँ घर। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग ये अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलूंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। साथ साथ में रिकॉर्ड भी करते चल रही हूँ। यहाँ पर ना एक थाई रेस्टोरेंट है, तो आप लोग ना यहाँ आए तो बहुत अच्छा ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट यहाँ का फूड बहुत ही अच्छा है। लोग यहाँ म्यूजिक लगा कर अपना मस्ती में बीच पर एंजॉय करते हैं। अभी बस के लिए यहाँ पर वेट कर रही हूँ मैं, और बस से फिर जाऊंगी घर। तो देखिए मैंने इतना पानी इसमें भरा है, और इसमें देखिए मुझे ना फ्लावर है, मैंने ना ये पॉट को निकाला है, ये बंद ही पड़ा था ये ना मेरा, क्योंकि यहाँ फ्रेश फ्लावर उतना यूज नहीं करते। मैंने प्लांट लगा रखा है तो प्लांट में ये जो है गिफ्ट में मिला है हमें, तो आपको पता ही है कि तो गिफ्ट में मिलता, तो कहीं से मिला है गिफ्ट में ही। सोच रही हूँ कि इसको डाल देती हूँ पॉट में, ऐसे ऊपर टूट ही गए हैं। मतलब इस फ्लावर को ना रखने का मेरा मेन है वो है ना, इतना अच्छा खुशबू है इसमें, किस फ्लावर में से आ रहा है खुशबू मुझे खुद नहीं पता है, लेकिन बहुत ही अच्छा खुशबू है। गमला थोड़ा सा जो पॉट है ना फ्लावर वास जो है वो थोड़ा बड़ा है फ्लावर के हिसाब से, और भी गमला मतलब पॉट है हमारे पास, लेकिन पता नहीं कहाँ रखा हुआ है मुझे खुद नहीं याद है, तो जो है सामने उसी में डाल देते हैं। देखिए इसमें तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, मुझे लगता है चेंज ही करना पड़ेगा गमले वाले। देखिए ऐसे हो गया फैल गया, इसको ना लपेट दिया है उसी से, इसे देखिए मैंने लपेट दिया, तो इसको ऐसे ही रख रही हूँ, पूरा खोल नहीं रही हूँ, क्योंकि पॉट के हिसाब से ना ये ज़्यादा मतलब फैल रहा है, तो मुझे उतना मतलब अच्छा नहीं लग रहा देखने में। छोटा वाला पॉट पता नहीं कहाँ है मुझे नहीं पता, तो मैं थोड़ा सा सूंघ भी लेती हूँ। वाह नकली नहीं है, जैसे आर्टिफिशियल आजकल उगा देते हैं ना फूल से फूल, तो वो नहीं है एकदम ओरिजिनल। इसके साथ ना फ्लावर के साथ और भी बहुत कुछ गिफ्ट मिला है, तो उसका मैं अभी बाद में मतलब दिखाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि अभी थोड़ा सा बिजी हूँ और मन भी नहीं है वीडियो बनाने के, तो फ्लावर सूख जाता है इसलिए मैंने इसका वीडियो बना लिया है।